बड़े पर्दे पर आ गए हैं शाहिद कपूर लेकर अपनी नई फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू। पद्मावत के बाद शाहिद की ये पहली फिल्म है। शाहिद इस फिल्म में एक ऐसे वकील का किरदार निभा रहे हैं जिसका ईमान तो नहीं है लेकिन उसका ईमान जाग जाता है ड्यू टू सम ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द स्टोरी। कहानी उत्तराखंड के किसी छोटे से शहर की है जहाँ पर शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर और देवेंदु शर्मा इन तीनों की दोस्ती यारी पल रही है, पनप रही है। लेकिन फिर इनके यारी के बीच में आ जाते हैं पावर कट्स और बिजली के महंगे बिल, जिसकी वजह से इनका एक दोस्त दुनिया छोड़कर चला जाता है और वहीं आता है कहानी में एक ट्विस्ट। देवेंदु शर्मा, श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर के अलावा यामी गौतम एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रही हैं। वो बिजली कंपनी की तरफ से एक बड़े लॉयर का किरदार निभा रही हैं। शाहिद और यामी के बीच में होने वाला है यह कोर्ट रूम ड्रामा। फिल्म में काफी फनी डायलॉग्स, पंचेज और हल्की फुल्की मस्ती के साथ में एक भारी मैसेज भी है बिजली कंपनी के लिए। फिल्म के डायरेक्टर श्री नारायण सिंह, जो इससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा डायरेक्ट कर चुके हैं, उन्हें बहुत अच्छे से आता है कि एक बॉलीवुड ड्रामा को सोशल इशू से कैसे कनेक्ट किया जाए, तो उन्होंने फिर एक बार ये कर दिखाया है। फिल्म के गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं, फिल्म में ऐसा मटेरियल नजर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े जैसा कुछ जादू हो पाए, लेकिन फिर भी इट्स अ स्वीट फिल्म टू वॉच फॉर। अपने नजदीकी थिएटर्स में आप देखने जा सकते हैं बत्ती गुल मीटर चालू। 100 में से ये फिल्म आपके 60 रुपए वसूल करा देगी।